अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक आसान सा रेसिपी बना रहे हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वेजिटेबल रेसिपी है, कैलीफ्लावर और टमाटो को ऐड करके हम लोग कैलीफ्लावर टमाटो करी बना रहे हैं। हमें भरोसा है कि बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। चलिए देखते हैं अपने स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं, देखते हैं। कैलीफ्लावर और टमाटो के कॉम्बिनेशन में जो करी आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और सिंपल रेसिपी है। चलिए देखते हैं हम लोग आज किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। पहले थोड़ा ऑयल ले लीजिए। पहले हम लोग इसमें ऑनियंस ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अच्छी तरह गोल्डन कलर आ गया है ऑनियंस। अब इसमें वक्त आ गया है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने का। जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो गए तक हम लोग उसको अच्छी तरह पकाना है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैलीफ्लावर। अब इसी कैलीफ्लावर को हम लोग अच्छी तरह बॉईल होने के लिए, ऑयल में पकने के लिए 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक के लिए इसको लिड क्लोज करके। अब इसमें हम लोग थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमेटोस, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग ऐड करने वाले हैं टेस्ट के लिहाज से सॉल्ट ऐड कर दीजिए। टमाटो और सारे इंग्रेडिएंट्स में हम लोग इस कैलीफ्लावर को अच्छी तरह बॉईल होने देंगे 10 मिनट तक। कैलीफ्लावर अच्छी तरह बॉईल हो गया है।
अब इसमें वक्त आ गया है कि हम लोग थोड़ा ग्रीन पीस ऐड करेंगे। माशाल्लाह करी बहुत अच्छा बन रहा है। अब इसमें और भी थोड़ा स्पाइस ऐड करने के लिए हम लोग ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। सालन में और भी स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग करी लीव्स ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट कैलीफ्लावर और टमाटो करी पक गया है। एट लास्ट हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। आज का हम लोगों का ये वेजिटेबल रेसिपी बहुत ही आसानी से हम लोग बनाए हैं और बच्चों को हम लोग राइस के साथ ये सर्व करेंगे। चलिए, माशाल्लाह आज का वीडियो बना के बहुत दिनों के बाद बहुत ही सुकून मिला और दिल को भी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और आप हम लोग तक पहुंचने के लिए 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए हमारे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।